नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की बड़ी ताज़ा खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश के राशन डिपो से जुड़ी बड़ी खबर आपके समक्ष लाए हैं। तो प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं से जुड़ी बड़ी खबर रहेगी, आपके समक्ष जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो डिपो में अभी तक नहीं पहुंची दालें, सिविल सप्लाई ने प्रदेश के गोदामों में पहुंची गीली चीनी की सप्लाई भी लौटाई। सस्ते राशन के डिपो में अभी तक दालों की सप्लाई नहीं पहुंच पाई है। यही नहीं, चीनी मिल से इस बार गोदामों में गीली चीनी की सप्लाई ही भेज दी गई थी, जिसे सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन ने वैसे ही गोदामों से वापस लौटा दी है। ऐसे में राशन कार्ड धारकों को दिवाली फेस्टिवल कोटा तो दूर, इस बार चीनी का दूसरा कोटा भी दिवाली तक नहीं मिल पाएगा। वहीं राशन कार्ड धारकों को फेस्टिवल सीजन पर दालें वो चीनी बाजार से महंगे दामों पर खरीदनी पड़ सकती हैं। हालांकि सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन ने चीनी की दूसरी मिल से चीनी का कोटा उठाने के निर्देश दे दिए हैं, ताकि डिपुओं को समय पर चीनी का कोटा मुहैया करवाया जा सके। बता दें कि डिपो में मिलने वाली दालों के टेंडर अभी तक नहीं हो पाए हैं। ऐसे में सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के गोदामों में नवंबर माह के राशन में दालें नहीं पहुंच पाई हैं। इसके अलावा चीनी मिल से कंपनी द्वारा भेजी गई गीली चीनी को सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन ने गोदामों से वैसे ही वापस लौटा दिया है, ताकि राशन कार्ड धारकों को घटिया चीनी डिपुओं में न खरीदनी पड़े। तो प्रमुख रूप से यही है बड़ी खास खबर कि प्रदेश के राशन डिपो में अभी तक जो है दालों की सप्लाई नहीं पहुंच पाई है। दूसरी ओर सिविल सप्लाई ने प्रदेश के गोदामों में पहुंची गीली चीनी की सप्लाई भी लौटा दी है, जिसके चलते जो है प्रदेश के राशन कार्ड धारकों को दीपावली पर भी जो है चीनी का कोटा नहीं मिल पाएगा। तो अभी के लिए यही है बड़ी खास खबर। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।